हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सीलमपुर गांव में एक छोटा सा परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। परिवार में रामू अपनी बेटी पायल और पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। रामू बाहर शहर में ड्राइवर की नौकरी किया करता था, वहीं लक्ष्मी घर पर रहकर ही घर के काम देखती थी। राम और लक्ष्मी की बेटी पायल पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, इसलिए उन दोनों ने अपनी बेटी का एडमिशन गांव के प्राइवेट स्कूल में करा रखा था। परंतु फिर भी वह स्कूल जाने से हिचकिचाती, क्योंकि उसका रंग दिखने में बहुत ही काला था, जिस वजह से उसकी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। बाहर शहर में किराए पर रहने और खाने का खर्चा ज्यादा होने के कारण रामू को ज्यादा रुपए नहीं बच पाते थे। किसी तरह वो तीनों अपना गुजारा कर रहे थे। फसल के समय पर रामू अपने पुरखों के खेतों पर खेती भी कर लिया करता था। इसी तरह एक बार वो शहर से घर वापस आ रहा होता है कि तभी एक बड़े ट्रक से उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब यह खबर फोन पर लक्ष्मी को पता चलती है तो वह बहुत दुखी होती है। लक्ष्मी बिना देरी किए सारी जमा पूंजी उठाकर अपनी बेटी पायल के साथ शहर के लिए निकल जाती है। लक्ष्मी अस्पताल पहुंचकर अपने पति का मृत शरीर ले लेती है और उसका रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार करवा देती है। इस तरह उसी रात को वे दोनों घर वापस आ जाते हैं। शहर के आने जाने का खर्चा और अंतिम संस्कार में लक्ष्मी की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। अगली सुबह लक्ष्मी गांव के अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने का फैसला करती है। धीरे धीरे लक्ष्मी को काम मिल जाता है और अब रोजाना अमीर के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। इसके साथ साथ लक्ष्मी पायल को रोजाना स्कूल भी भेजा करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। पायल और लक्ष्मी की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ गई थी। परंतु एक दिन लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेती है। माँ आप रहने दो, आज आप आराम कर लो, आज आपकी जगह मैं काम करने चली जाती हूँ। नहीं लक्ष्मी बेटा, तू रहने दे, तुझे स्कूल का होमवर्क भी तो करना है। मेरे होते हुए तू काम पर कैसे जा सकती है? रुक, मैं कोशिश करती हूँ। लक्ष्मी जैसे ही चलने की कोशिश करती है उसे चक्कर आ जाता है। पायल जैसे तैसे उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देती है और उसे सहारा देती है। आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ, आज से आप यहाँ आराम करोगी और मैं काम पर जाया करूँगी। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी बिस्तर पर आराम तो कर रही होती है, परंतु उसे एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत थी, जिसके लिए लक्ष्मी और पायल के पास पैसे नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ पायल अपना स्कूल छोड़कर लोगों के घरों में बर्तन मांजने लगती है। इस तरह पूरा दिन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने के बाद पायल को अपने घर आकर अपने घर भी झाड़ू पोछा करना पड़ता था। इस बीच में उसे पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। बेटा कितने दिन हो गए तूने किताब खोलकर नहीं देखी? बस माँ अभी जाकर पढ़ने ही वाली हूँ, वो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं सब देख रही हूँ कि किस तरह मैं बिस्तर पर लेट कर खा रही हूँ और तू इतनी छोटी होकर भी लोगों के घरों में काम करने जाती है और फिर घर आकर घर के सारे काम भी करती है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तुझे एक अच्छी माँ का सुख नहीं दे पा रही हूँ। ये क्या कह रही है माँ, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। आपकी बदौलत ही तो मैं इस दुनिया में आई हूँ और आपने जो आज तक मेरी इतनी सेवा की है उसका कर्ज कभी मैं उतार पाऊंगी, इसलिए आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन लक्ष्मी बिस्तर पर से उठ जाती है और कहती है, बस बेटा बहुत दिन हो गया आराम, आज से तू स्कूल पढ़ने जाएगी और मैं काम पर जाऊंगी। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं अच्छे से काम संभाल रही हूँ, बस जल्दी से पैसे इकट्ठा करके आपकी दवाई करानी है। इस तरह पायल अपनी माँ को समझा बुझा कर वापस लिटा देती है। अब पायल ने और भी काम शुरू कर लिया था, क्योंकि वो अपनी माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना चाहती थी। वो दिन रात की मेहनत करके जैसे तैसे पैसे जोड़ रही थी। इतने सारे घरों में एक घर कौशल्या सेठानी का भी था। कौशल्या सेठानी बातचीत में बहुत नरम थी और पायल को अपनी बेटी की तरह ही देखती थी। आज कौशल्या और पायल दोनों मिलकर सफाई कर रहे थे।
क्योंकि उनके घर पर उनके इकलौते बेटे का जन्मदिन था। इसी बीच एक फोन कॉल आती है और कौशल्या परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, ऐसे कैसे आप एन मोमेंट पे मना कर सकते हैं? अब इतने सारे लोगों का खाना कौन बनाएगा? क्या हुआ मालकिन, आप इस तरह क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ पायल, परेशान होने जैसी ही बात है। कल राहुल का जन्मदिन है और हलवाई ने एन मोमेंट पे मना कर दिया। मैंने सभी रिश्तेदार को न्योता दे दिया और हलवाई कह रहा है कि वह कल नहीं आएगा। अब क्या जवाब दूं मैं सभी को? इतनी जल्दी कौन सा हलवाई तैयार होगा खाना बनाने के लिए? मैं पहले ही सभी रेस्टोरेंट पर पता कर चुकी हूँ, शहर में कोई हलवाई खाली नहीं है। मैडम जी, वैसे भी मैं ठीक ठाक खाना बना देती हूँ अगर आप कहें तो। क्या सच में? सोच ले, पूरे 150 लोगों का खाना है, क्या तू इतने सारे लोगों का खाना बना पाएगी? हाँ मीम साहब, मैं सब संभाल लूंगी, आप भरोसा करके तो देखिए। इस तरह बहुत देर वाद विवाद के बाद कौशल्या पायल को खाने का ऑर्डर दे देती है। अगली सुबह पायल जल्दी से मार्केट से सभी सब्जियां और राशन का सामान ले आती है। सुबह सुबह जल्दी से किचन में लगकर अकेले ही पूरा खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है पायल। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल गेस्ट से भरा हुआ था। पायल जैसे तैसे जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सभी लोगों का खाना तैयार करती है। पार्टी में बहुत ही अमीर और अच्छे खानदान के लोग आए हुए थे। वे सभी जैसे ही पायल के हाथों का खाना खाते हैं, सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है और उन्हें पायल के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है। इसी तरह थोड़ी देर बाद केक कट हो जाता है और सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद मुख्य अतिथि विकास राठौर, जो एक बहुत बड़े 5-स्टार होटल के मालिक थे, वहीं रुक जाते हैं और कौशल्या से कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस मिसेस शर्मा, आपका यह प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, मुझे आपके यहाँ का खाना बहुत टेस्टी लगा। थैंक यू मिस्टर राठौर, यह खाना तो मेरी होममेड पायल ने बनाया है। आज उसने समय पर मेरी नाक बचा ली नहीं तो शहर के सबसे नामी हलवाई को मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया था और वह पैसों के लालच में आकर कहीं और कैंटीन लगाने चला गया। क्या सच में यह इतना टेस्टी और लजीज खाना एक अकेले इंसान ने बनाया है? उसे बुलाओ अभी, मैं उसे देखना चाहता हूँ। इसके बाद कौशल्या पायल को बुलाती है। पायल जैसे ही मिस्टर विकास के सामने आती है, वह उसे देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। हेलो बेटा, आप तो अभी बहुत छोटे हैं, आपने इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बनाया? आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी, आपका खाना तो मेरे 5-स्टार होटल से भी टेस्टी था। प्राउड ऑफ यू चाइल्ड। इस तरह मिस्टर राठौर पायल को अपना कार्ड देकर वहाँ से चले जाते हैं। पायल भी सारी बात घर आकर अपनी माँ को बताती है। यह सब सुनने के बाद पायल की माँ बहुत खुश होती है और उसे अपनी बेटी पर फख्र होता है। अगली सुबह जब पायल काम पर जा रही होती है तो वह देखती है कि घर के बाहर तो मिस्टर राठौर एंड उसकी मालकिन कौशल्या खड़ी है। गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग सर, मैं बस आने ही वाली थी, आप दोनों का यहाँ आना कैसे हुआ? कुछ नहीं बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैंने जब तुम्हारे हाथ का खाना अपनी वाइफ को खिलाया तो उसे बहुत पसंद आया और उसकी सिफारिश पर मैं तुम्हें अपनी 5-स्टार होटल पर पार्ट टाइम जॉब देना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी जॉब करने के लिए तैयार हो? थैंक यू सर, मैं आपके लिए जरूर काम करूंगी। पायल बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आज के बाद तुम्हारी माँ के इलाज और तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई का सारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम बस मन से हमारे 5-स्टार होटल में खाना बनाना। यह सुनकर पायल बहुत खुश होती है और दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है। पायल जल्दी से अपनी माँ को सारी कहानी बता देती है। यह सब सुनकर पायल की माँ मन ही मन पायल के पिताजी को याद करती है और सोचती है कि अगर आज वो यहाँ होते तो कितना खुश होते। इस तरह उस दिन की बात पायल 5-स्टार होटल में एज ए शेफ काम करने लगती है। कुछ दिनों में पायल की माँ को भी अस्पताल में इलाज करवाने से आराम हो जाता है और अब वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने आगे का जीवन बिताते हैं।